श्री कृष्ण कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐसो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता, भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आपको कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। अपने काम को कभी काल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय की महत्वपूर्णता ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता है। अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने के सबसे मुख्य कारण होते हैं खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि महाराज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मैं पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे मां बाप से अलग होना पड़ा। जहां पहुंचकर मुझे हर वो एक काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है, गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए, मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा थी, ना ही महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। ये बात इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मों की जिंदगी में तो दूसरों की बुराई खोजने में खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। बोलना सीखें वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है वो भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन आने दो। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर है, उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दे। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद और आस है, वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच है। कितने अजीब है ये जमाने के लोग, खिलौना छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करते हैं। अहंकार ना पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। इन पांच जगहों पर हमेशा चुप रहिए। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा,
जहां बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी के मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में सुखी होना हो तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वो जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वो लुट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखो और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मुंह करोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद चलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभालने लगता है।
असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देते हैं, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दें, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने असाहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में हो, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को पत्थर ही मारे जाते हैं। सत्य में कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वो इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितने भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है, यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग खुश होंगे
कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपका शुभचिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वो दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वो सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रखता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपको अपने आप से सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में ही भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं, पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ और अपनेपन की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते हैं वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ ली और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी में है। वो बस इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता जो माली के ऊपर गिराता। जैसे ही अंगूर माली को लगता वो कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर था ही नहीं कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तो बड़ा दयालु है, इसमें भगवान की कैसी दया। माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में तीन तरह के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले जाऊं और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल ले आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा के
पहल से की हुई योजना का पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राजा की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छा समय में भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान को धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराए नहीं, सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में चिंतन करें, योजना बनाएं और निवारण में जुड़ जाए। बुरी परिस्थितियां आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी बहाने से पहुंच ही जाते हैं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो तुम्हारे ऊपर हावी होते रहेंगे। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।